कांग्रेस की जन आशीर्वाद यात्रा विदिशा जिले के सिरोंज से होते हुए शमशाबाद विधानसभा पहुंची, जहां पर पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जन आक्रोश यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री अरुण यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पूर्व जनता अध्यक्ष नरसिंह यादव ने भी कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है। तो मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि 18 साल बाद मध्य प्रदेश की बहना की याद आपको क्यों आई, और आपके राज्य में हमारी बहना सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुई हैं। दो दिन पहले की उज्जैन की घटना आपके सामने है, किस तरह से एक 12 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, और इस मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार है, ऐसी सरकार है जो हिंदुस्तान में जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी बहनों को प्रताड़ित किया जाता है। आज जो कांग्रेस की जो जनाक्रोश यात्रा जो हमारे शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में आ रही है, जिसके प्रभारी परम सम्माननीय अरुण यादव जी हैं, जो भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके, वो इस लिए वो यात्रा आ रही है कि जनता में जो अभी कांग्रेस भाजपा के द्वारा जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही थी, वो उनके धनबल और सत्ता के बल पर निकाली जा रही थी। अभी आपको दिख रहा है बहुत काम का समय है, सोयाबीन की कटाई चल रही है, और शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में से कृषक क्षेत्र है, इसके बाद भी आपको लग रहा है कि ये कोई भीड़ पैसों की लाई हुई भीड़ नहीं है। इससे ही लग रहा है कि भाजपा के दिन पूरे हो चुके हैं, भाजपा का समय जाने का हो चुका है, और भाजपा के दिन तो वैसे ही पूर्व जब मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में जब देश के केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ से देश लोकसभा के सांसदों को जब चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा का समय पूरा हो चुका है।